अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में डिप्टी कमिश्नर जनाब हमजा शफकात साहब तशरीफ रखते हैं और इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इस्लामाबाद के हवाले से मुख्तलिफ सवालात करते हैं। सर पिछले आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पिछले कुछ माह से बड़ी टाइट सिचुएशन है, इंतज़ामिया की भी, लोगों की भी, अस्पतालों की भी, तो अब मौजूदा सिचुएशन क्या है ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर इस्लामाबाद में अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले एक साल में पूरे सीज़न के अंदर कोरोना के लिहाज से तकरीबन 81,500 लोगों को कोविड हुआ, जिनमें से 99% लोग जो हैं हमारे सेहत याब हो चुके हुए हैं और 1% जो हैं तकरीबन 800 लोग जो हैं वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। वैक्सीनेशन का अगर हम देखें तो हम तकरीबन इस्लामाबाद में 3 लाख लोगों को एक शहर में वैक्सीनेट कर चुके हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में हाइस्ट एवरेज है। और हॉस्पिटल में ये सिचुएशन है कि इस टाइम जो हमारी ऑक्यूपेंसी है वो 50% से भी कम है। क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे हैं लेकिन उस तरह से जो लोड था कि ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है, सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे, वो लोड अब कम हो गया हुआ है। हमारा इरादा ये है कि हम अगले 14 अगस्त से पहले पहले इस्लामाबाद की तमाम अर्बन पॉपुलेशन के लोग जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, बसों में बैठते हैं, दफ्तरों में आना जाना, उन सब को हम वैक्सीनेट कर देंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद में बिल्कुल अर्बन एरिया तो हमारा बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा। बाकी हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन चलती रहेगी और इंशाल्लाह दिसंबर तक हम इस्लामाबाद को इस वायरस से तकरीबन 100% क्लियर कर चुके होंगे। अच्छा सर, ये इस्लामाबाद चूँकि हमारे अप कंट्री का गेटवे भी है और लोग भी गाँव से देहातों से आते जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या उस हवाले से आपने कोई उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं बाहर से ना आ जाए फिर और खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन ख़राब हो जाए? सर अभी जो इस्लामाबाद में हमें सबसे ज़्यादा खदशा था वो ये था कि इंडियन वायरस ना आ जाए, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, हालांकि वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हम अपनी खुद ड्यूटी देते हैं और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट्स आ रही हैं उनके उतरते साथ उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। उस टेस्ट के 15 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट भी आ जाता है। रैपिड टेस्टिंग है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन हुकूमत वो टेस्ट करवा रही है। उसमें अगर कोई पॉजिटिव आए तो उसको फिर हम अपने क्वारंटीन सेंटर में ले जाते हैं I9 में, और अगर नेगेटिव आए तो फिर उनको हम होम क्वारंटीन कराते हैं। तो जो आउटसाइड से वायरस आना है उससे तो हमने प्रोटेक्शन की हुई है। बाकी अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर सब्ज़ी मंडी से पूरे पाकिस्तान से ट्रक्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे बसों के अड्डे हैं यहाँ से अब GB भी जा रहे हैं, काबुल से लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, AJK से लोग PIMS में आके दाखिला ले रहे हैं, तो हर तरह से हमारी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जी जी। लेकिन हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो दो किस्म की स्ट्रैटेजी, एक तो ये कि हम टेस्टिंग सबसे हाईएस्ट है हमारी, 1.5 लाख लोगों की हम टेस्टिंग कर चुके हुए हैं और करते जा रहे हैं 11 लाख लोगों की, 1.5 मिलियन हम कर चुके हैं तकरीबन, इतनी टेस्टिंग हम कर चुके हैं, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को टेस्ट कर चुके हैं। दूसरा, हम वैक्सीनेशन पे फुल अपने आप को वो बैंक कर रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन हमारी इतनी ज़्यादा हो जाए कि छोटा मोटा कोई और भी वेरियंट्स आते भी हैं तो उसको हम सर्वाइव कर सकें और हमारे अस्पतालों पर लोड ना पड़े। अच्छा सर, ये शायद आपके डायरेक्ट अंडर आता है कि यह हेल्थ डिवीजन के अंडर आता है कि कोविड की वजह से जो खौफ व रास्ता, उससे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं इन्होंने बड़ी बैती गंगा में हाथ धोए हैं और बहुत पैसा कमाया और लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाया, इस पर भी आपने कोई चेक रखा है या कोई अपनी रिपोर्ट मुरतब की है या उनको कोई आपने कोई नोटिस वगैरह जारी की? सर ये फर्स्ट वेव के ऊपर ही हमें पता चल गया था कि ये इस्तेहसाल शुरू हो गया। हॉस्पिटल्स ने वेंटिलेटर के साथ 70,000 रुपया पर नाइट अपना रेट बढ़ाया। उसके ऊपर कानून में तो इजाज़त है कि हॉस्पिटल्स जो मर्ज़ी रेट लें, जो हमारे प्राइस कंट्रोल के कवानीन हैं उसके अंदर इशू ये है कि सिर्फ सब्ज़ी दालें ये चीज़ें तो आती हैं प्राइस कंट्रोल में, लेकिन जो प्राइवेट फ़ीस है, हॉस्पिटल की फ़ीस है, स्कूलों की फ़ीस हैं, इसके ऊपर उस तरह का कोई चेक नहीं है। कोई एजुकेशन के ऊपर तो फिर भी एक इदारा बन गया, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर कोई हॉस्पिटल्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। फिर हुकूमत ने कोविड की फर्स्ट वेव के बाद इस्लामाबाद में पहली दफ़ा IHRA के नाम से एक इदारा बनाया, इस्लामाबाद हॉस्पिटल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो IHRA काम कर रहा है, इनकी प्राइसेस भी देखता है, इनकी वो सर्विसेज भी देखता है। हमने अपने तौर पे एटलीस्ट ये उनको कहा था कि आप अपना हर चीज़ वेबसाइट पे लगाएं, मास्क की कीमतों को कंट्रोल किया, सैनिटाइजर्स को हमने चेक किया और हॉस्पिटल्स को इंसिस्ट किया कि जितनी उनकी कॉस्ट आ रही है वो उस पर सब्सटेंशिएट करें और जस्टिफाई करें कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे। 2-3 हॉस्पिटल्स की हमें शिकायत भी आई, फिर हमने उनकी ऑडिट भी किया और उनको समझाया भी। बाय एंड लार्ज ये है कि अब क्योंकि कानून में इसकी प्रोविज़न भी मौजूद है, अब ये तो लोग अल्लाह ताला कोई जवाब देंगे फिर कि अगर उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं और इस तरह के किए हैं इस तरह के बाद। अच्छा सर, कोविड हो या कोई और सहूलियात हो, ऐसा लगता है कि इस्लाम, ये तासुर है, ऐसा शायद ऐसा ना भी हो लेकिन तासुर ये ज़्यादातर यही पाया जाता है कि इस्लामाबाद F सेक्टर वालों का है, E सेक्टर वालों का, या थोड़ा सा G सेक्टर वालों का है, बाकी लोग बेचारे ऐसे मेरी तरह कोई यजूज मजूज किस्म के लोग हैं और उनकी इतनी केयर नहीं होती, आप क्या समझते हैं ऐसा है? सर मैं जब CSS की तैयारी कर रहा था तो मेरे उस्ताद थे, उस CSS ऑफिसर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी इस्लामाबाद, और उसका पूरी किताब का नाम था इस्लामाबाद ग्रेडों का शहर,
और वो यही कहते थे कि इस्लामाबाद ग्रेडों में बटा हुआ है, इंसानों में भी और सेक्टर्स में भी और फैसिलिटीज़ में भी। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन अब इस दफ़ा अगर आप देखें तो हमने सबसे ज़्यादा रोड कार्पेटिंग में I-10 को नंबर वन रखा, उसकी ग्रीन बेल्ट्स को हम सही कर रहे हैं, I-9 के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ का हमारा एक्सटेंसिव काम कर रहा है, पहली दफ़ा I-15 जो कितने सालों से बंद पड़ा हुआ था वो सेक्टर पे काम शुरू हो चुका हुआ है, I-14 के पार्क्स और वहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन की, और पूरी कोशिश की है कि इस तरह की कोई वो चीज़ ना हो कि जो CDA का सेक्टर है उसमें पूरी तरह वही फैसिलिटीज़ उनको मिलें जो कि किसी अच्छे सेक्टर में मिल रही हैं। लेकिन ये जो अर्बन बायस का आपने कहा है कि ये वाकई पाकिस्तान में इस्लामाबाद नहीं, ये पूरी दुनिया के, अमेरिका जाएंगे वहाँ पे न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आप कैंटकी चले जाएँ, आर्कनसॉ चले जाएँ, वहाँ पे कम चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इंडिया में मुंबई दिल्ली में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ये एक अर्बन बायस होता है क्योंकि सारे पावर सर्कल्स वहाँ पे बैठे होते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमने पूरी कोशिश की है, इवन जो हमारे इस दफ़ा हमारे मैजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियाँ लगाई हैं, हमने गौरी टाउन में, रबात में, किरपा में, चिरा में, मैं संगजानी खुद जाके चेक करता रहा हूँ, जंगी सईदा खुद जाके चेक करता रहा हूँ, ताकि रूरल पॉपुलेशन के अंदर ये एहसास ना आए कि जी ये बिल्कुल अर्बन बायस है। अच्छा सर, ये भी हमने एक सवाल मेरे जहन में आ गया, हमने ये भी देखा है कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं इसमें आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी चले जाते हैं, तो आप आने वाले DC के लिए प्रॉब्लम नहीं पैदा कर रहे? असल में आने वाले DC के लिए तो क्या प्रॉब्लम होगी, असल में इशू ये है कि हमारी जो रूरल एरिया मुश्किल होता है ना सर, मुश्किल होता है, और पहले भी नज़र यही आता रहता है कि जी बहुत ज़्यादा उस इलाकों को इग्नोर किया जाता रहा है, लेकिन हमने अपनी खुली कचहरियाँ भी कराई। दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर जो एक और बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है कि पिछले 10 सालों में हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 200% इंक्रीज़ हुई है, यानी कि 7 लाख से हम अब 22 लाख के करीब पहुंचना शुरू हो गए, और वो सारी पॉपुलेशन जो गढ़ बन रहा है वो बाराकहू, तरनौल, रवात, हमारे बिल्कुल जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर बनना शुरू हो गया। अगर वहाँ पे मैंने या मेरे बाद आने वाले ऑफिसर्स ने उन पे सही कंट्रोल नहीं रखा तो आप मुझे शक है कि कहीं इस्लामाबाद कराची ना बनता जाए। इसलिए हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लॉ एंड ऑर्डर में भी, कोरोना के अंदर भी, सबसे पहले जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे वो हमने बाराकहू में लगाए, फिर शाला दत्ता में लगाए कि इनको हम किसी तरह कंट्रोल कर लें, इनमें ना फैले। फिर यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर जो कच्ची वादियाँ बन रही थी उनके अंदर हम बहुत ज़्यादा कॉमिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं कि ये इलाके ये ना हो कि जिनको इग्नोर करते रहें और बाद में हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाए। अच्छा सर, कुछ साल पहले यहाँ पे अंडर पासेस बहुत ज़्यादा बने, यू टर्न अच्छे तरीके से मैनेज हुए, जिसकी वजह से अब ट्रैफिक में, ट्रैफिक का तो फ्लो रहता है, लेकिन पार्किंग का एक ऐसा जंगल सा बन गया है कि आपको आधा आधा घंटा सिर्फ पार्किंग के लिए तलाश रहती है, तो उसके लिए सुना है कुछ आपकी प्लानिंग है? सर, पार्किंग पे पार्किंग प्लाजा बिल्कुल ज़ेरे गौर हैं, और आपको याद होगा कि F7 में तो पिछली हुकूमत में वो पार्किंग प्लाजा बन गया था, अब हम ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो गया। दूसरा ये है कि जो हमारी इस्लामाबाद का एक अलमिया भी है कि यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट उस तरह से नहीं है, ये सिर्फ एक मेट्रो है जो चल रही है, अब हमारी पूरी कोशिश है कि जो मेट्रो का दूसरा रूट है उसको खोला जा सके। तीसरी, जो हम लोगों के अंदर अब ये सेंस लेके आ रहे हैं कि वो शिफ्ट हों अपने आप पर, मैं खुद साइकिलिंग भी करता हूँ, साइकिलिंग को भी प्रमोट करता रहता हूँ कि एटलीस्ट जो लोग थोड़ा बहुत गाड़ियों से हट सकते हैं वो अपना काम करें, क्योंकि हम जितनी भी पार्किंग्स बनाते रहेंगे ये काम पड़ती रहेंगी। पूरी दुनिया में इसका सलूशन यही है कि हम अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं और लोगों को कन्विंस करें कि वो अर्बन ट्रांसपोर्ट में जाएं, अपनी प्राइवेट गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें। अच्छा सर, ये कब तक ऑपरेटिव हो जाएगा आपका जो दूसरा इसका मेट्रो का रूट है, एयरपोर्ट वाला, कोई है चांसेस? सर अभी इसमें टाइम लगेगा सर, 6 महीने का टाइम है ये, अभी NHA ने पूरा बना लिया है, NHA हमें 31 जून तक हैंड ओवर करेगा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, हैंडिंग ओवर होने के बाद फिर इसका वो इसका फर्दर प्रोसेस होगा, इसके अंदर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया जाएगा जो इसके ऊपर रूट के ऊपर अपनी बसेस चलाएंगे। अच्छा सर, किसी भी शहर की जो आबादी के लिए जो पार्क्स होते हैं, जो ग्राउंड्स होते हैं, वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, अभी कोर्ट्स ने जो क्रिकेट ग्राउंड खासतौर पर वो प्राइवेट लोगों से लेके बिल्कुल CDA के हवाले कर दिए, तो उनका मैकेनिज्म क्या होगा? पहले तो ये था कि वो उसको मिसयूज़ करते थे इस हवाले से कि वो उसको पैसा बनाने की मशीन रखा हुआ था, लेकिन उसको वो उन्होंने मैनेज भी करते, मेनटेन भी रखते थे, उनका उसकी ग्रीनरी भी होती थी, उसकी पिच भी होती थी, इसका कोई मैकेनिज्म बन सक रहा है सर? इसके ऊपर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन काम कर रही है, पूरी नई तजावीज़ बना के हुकूमत को मूव भी की जा रही है बहुत जल्द, तो इसमें जितने ग्राउंड्स थे वो पहले तो प्राइवेट पार्टी चला रही थी और अच्छा चला रही थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो उसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए कि जी प्राइवेट पार्टीज नहीं चला सकते, ये पब्लिक स्पेस है, तो उसको एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर बड़े अच्छे तरीके से ये पब्लिक के इस्तेमाल में भी आएंगी और चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। अच्छा सर,
प्राइम मिनिस्टर के अहकाम के मुताबिक कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन हो रहा है, लेकिन इसकी आड़ में ये भी देखने में आया है कि जैसे हम स्कोर सेटल करते हैं ना ऐसे मामलों में, तो कोई इसकी गलत शिकायत भी कर देता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बासर होते हैं और किसी न किसी वजह से फिर बच जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं सर? सर जो कब्ज़ा और ज़मीन का भी बता दीजिएगा कितनी आपने जो है ना वागुजार कराई है। सर हमने इस्लामाबाद के अंदर जो स्टेट लैंड रिकवर कराई है जिसमें CDA की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, NHA की, फॉरेस्ट की, वो 20,000 कनाल है और इसकी मालियत 400-500 अरब से ज़्यादा बनती है। वो सारी हमने रिकवर कराई, कुछ को हमने ग्रीन एरियाज़ में रिकवर किया, काजाज यूनिवर्सिटी की कराई, कुरंग रिवर की कराई, स्वां रिवर पर एक्शन किए, GT रोड पर प्लाजे बने हुए थे हमने वो प्लाजे तोड़े, श्रीनगर हाईवे के ऊपर अगर आपको याद हो बड़ी बड़ी मार्किज़ होती थी और बनती जा रही थी वो उनको पूरा डिमोलिश किया, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया। ये तो वो है जो सरकारी लैंड से हमने ज़मीनें की और उसमें तो अब काफ़ी हद तक हमारा ऑपरेशन चलता रहता है। अब मारगला की फोटल्स में खाली करा रहे हैं, मलपुर फॉरेस्ट हमने खाली कराया, बहुत ज़्यादा 3-4 हज़ार कनाल जगह खाली कराई और उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया है फॉरेस्ट में। अब इस्लामाबाद में एक और नया फिनोमेना है वो ये है कि यहाँ पर प्राइवेट डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्राइवेट डिस्प्यूट्स आपको पता है कि वो सिर्फ कोर्ट में सेटल हो सकती हैं, उसमें इंतजामिया का काम नहीं होता। अगर एक बंदे के दूसरी बंदे के साथ ज़मीन का कोई झगड़ा है वो उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होगा, बयानात रिकॉर्ड होंगे, वो सिर्फ अदालत में हो सकते हैं। उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये फिर बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि ये कब्ज़े हो रहे हैं नहीं हो रही। उसके ऊपर फिर हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि हमने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो बदमाशी के ज़रिए ये काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बनी, 40 बंदों की लिस्ट बनी, उनको फोर्स कैजुअल में डाला, उसके बाद उनके 3 MPO के ऑर्डर्स बना के उनको जेलों में डाला, उसके बाद जेलों से वो निकले तो उनको हमने फिर 5 MPO में उनसे शॉर्टीज ली। इसमें वाकई मेरे पास ये शिकायत आई है कि कोई बहुत बूढ़ा उम्र का बंदा था, वो बेचारा उसको पकड़ा लिया, उस पर केसेस थे लेकिन वो अब चेंज हो चुका हुआ था। तो अब हमने इसका मैकेनिज्म ये बनाया है कि अब जो भी कब्ज़ा माफिया की लिस्ट हमें कोई डिपार्टमेंट देता है, लोग देते हैं, तो उसकी हमने एक डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी बनाई हुई है जिसमें पुलिस, स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस एजेंसीज के इदारे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इंतजामिया के लोग होते हैं। वो बैठ के थ्रेड बेयर डिस्कस करते हैं, उसमें से जो बंदा निकलता है, जो हमें पता लगता है कि यार ये वाकई बदमाशी कर रहा है और ये गलत काम कर रहा है, फिर उसको हम अब अच्छा सर ये भी सुनी थी, शायद आप तक भी इतला होगी, CBR के को बर्ट नामी शख्स है जिसने 6 कनाल ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, उसके खिलाफ कोई आपके पास? बिल्कुल, मुझे आज ही ये दरख्वास्त भी हमारे पास पहुंची है जिसमें कोई सोसाइटी की ज़मीन को कब्ज़ा करके और वही रवायती तरीके से कि वहाँ पे पहले मस्जिद या मदरसा बनाना चाह रहे हैं और उसके बाद ज़मीन हथियाना चाह रहे हैं, मेरे पास वो दरख्वास्त पहुंच गई है, इंशाल्लाह आज या कल मैं उसे पूरा एक्शन करेंगे। अच्छा सर, कोरोना की आड़ में हमने कुछ सख्ती ज़्यादा नहीं कर रही थी जिसकी वजह से ताजर बरादरी और जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं बहुत नालां हैं और वो बहुत ज़्यादा शिकायत भी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक उन्होंने लेटर्स भी लिखे हैं, तो उस हवाले से आप कोई आगे समझते हैं कि कोरोना का आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं और कोई नरमी और ज़्यादा होगी या इसी तरीके से? अभी सर सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपको पता है कि 1 जून के बाद से अब आउटडोर शादियां खुल गई हैं। सबसे ज़्यादा जो पिसा हुआ तबका था सर, वो मैं तो शादी शुदा हूं आप से नहीं लेकिन जो दूसरों की शादियां खुल गई हैं, जो हमारी मार्किज़ बंद थी ना उनका वाकई बहुत नुकसान, एक एक मार्की का 8-8 लाख रुपया पर मंथ किराया था और आप देख लें कि 8 महीने का मतलब ये है कि 60-70 लाख का उनको नुकसान हुआ है। तो एक तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया कि वो थोड़ा काम करें। मेरी पर्सनल असेसमेंट है कि ये जून के महीने के बाद, जुलाई के मिड के बाद इस्लामाबाद के अंदर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी होंगी, ज़िंदगी मामूल की तरफ आ रही होगी, थोड़ी बहुत SOPs होंगी लेकिन जैसे जिम्स हमने बंद किए हुए थे, स्पोर्ट्स हमने बंद की हुई थी, गैदरिंग्स, फेयर, फेस्टिवल्स बंद किए हुए थे, कॉन्सर्ट्स बंद किए हुए थे, इवन रिलीजियस गैदरिंग्स बंद की हुई थी, वो 15 जुलाई के बाद इंशाल्लाह खुलना शुरू हो जाएंगे। सर जैसे अब मैं आपके साथ कैमरे भी आ गए तो मैं भी 2-4 बंदों को धमकाऊंगा, यार मेरे DC साहब के बड़े अच्छे तलकात हैं। इस तरह आपके जो क्लरिकल स्टाफ है ना वो भी बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, जाके जुर्माने शुर्माने करता है, कहता है जी DC साहब ने कहा, तो उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस? सर वो हमने बना दिया है, ये वाकई 2 शिकायत हमें आई, आपारा में शिकायत आई कि कोई क्लर्क जो है वो गया और उसने जाके जुर्माने किए, उसका हमने फौरी एक्शन लिया है, उस बंदे को हम रिकवरी भी कराएंगे अगर उसने कोई गलत जुर्माने किए हुए हैं और एक्शन भी उसके खिलाफ एफिशिएंसी का एक्शन होगा उस पर। अच्छा सर, सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वक्त भी आपका पहले ही बहुत कीमती वक्त है, सब कोई का ही होता है, आपकी और ज़्यादा कमिटमेंट्स हैं। अमूमन हमारे लोगों का ये ख्याल हो गया कि सारा कुछ जो है ना गवर्नमेंट ने करना है, इंतजामिया ने करना है, हम खुद अपने फ़राइज़ जो है उनको भूल जाते हैं, पहलू तय करते हैं। तो आप आज हमारे माइक के थ्रू, हमारे कैमरे के थ्रू आप कुछ कहना चाहेंगे कि अवाम के क्या फ़राइज़ हैं और कहाँ का पहलू तय कर जाते हैं? देखें, इसमें मेरा आवाम के लिए पैगाम है, 3 चीज़ें जो हैं वो आवाम ने ख़ुद करनी है, वो अगर आप हुकूमत पर डालेंगे पूरी नहीं कर सकेंगे। एक तो ये है कि इस्लामाबाद के अंदर CDA और सैनिटेशन का डिपार्टमेंट 1600 टन कचरा जो है वो डेली उठा रहा है। अगर आप कचरा फिर भी सड़कों पर, पहाड़ी इलाकों पर, अपने घर के साथ खाली प्लाटों पर फेंकते रहेंगे तो ये सरकार नहीं कर सकेगी। इस पर ऑलरेडी करोड़ों रुपया ज़ाया हो रहा है,
ये और ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा और ये सफाई हल नहीं होगी। तो एक तो इसमें मेरी गुजारिश है कि आप लोग ख़ुद अपने अंदर, आपके मज़हब में भी सफाई है, अपने घर को भी आप साफ़ रखते हैं, ख़ुद भी वज़ू करते हैं, तो आप अपनी सड़कों को भी ऐसे ही ऑन करें जैसे अपने घर को ऑन करते हैं। दूसरा मेरी ये है कि सड़कों पर खड़े हुए जो लोग भीख मांग रहे हैं, प्रोफेशनल बैगर, उनके खिलाफ हमने बहुत बड़ी कैंपेन स्टार्ट की है। जब तक आप लोग इनको पैसे देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये दूसरे शहरों से आते रहेंगे। हम पुलिस वालों के साथ मिलकर 2,000 बंदा 3,000 जेलों में भेजते रहेंगे, जेलों से ये ज़्यादा बड़े क्रिमिनल बन के आ जाएंगे। इसका तरीका यही है कि आप अगर सड़कों पर पैसे देना बंद करें और बाकायदा किसी इदारे में जाके, कोई हॉस्पिटल है, कोई ऑर्फनेज है, वहाँ पर पैसे दें। और आखिरी मेरी गुजारिश है कि इस्लामाबाद के अंदर प्लास्टिक बैग्स को हम बैन कर चुके हुए हैं। हमारे पास 7 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो दिन में 15-20-100 दुकानें चेक कर लेंगे। इस्लामाबाद की 30-40 हज़ार दुकानों को हम चेक नहीं कर सकते। ये आपका काम है कि आप प्लास्टिक बैग्स को ख़ुद बॉयकॉट करें ताकि जो इनके बनाने वाले हैं, इनके बेचने वाले हैं, वो डिस्करेज हों और वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन सर प्लास्टिक बैग तो अब साहिब औलाद हो गया है माशाल्लाह, मास्क जो है वो जगह जगह बिखरे पड़ते हैं, तो उनके बारे में कोई पॉलिसी? सर असल में अब मास्क क्योंकि फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट में आ जाता है उसके लिए भी अलाउड है, जो इंडस्ट्रियल बैग्स हैं उनके लिए भी अलाउड है, अब फिलहाल हमारे कानून में अलाउड है। हमारे कानून में जो बैन किया गया था सबसे पहले 1 साल के लिए कि हमने सिर्फ शॉपर बैन किए थे, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप मार्केट से शॉपर लेते हैं, घर में आते हैं उसको फेंक देते हैं, तो उसको शॉपर को हम फर्स्ट फेज में बंद करेंगे। इवेंचुअली तो फ्यूचर यही है कि हम प्लास्टिक्स को कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी से रेडिकेट करें जैसे पूरी दुनिया कर रही है। कैसे आहिस्ता प्लास्टिक को भी ख़त्म करें, फ्यूल यूज़ को भी ख़त्म करें और सनलाइट के ऊपर अपना उस एनर्जी, डिफरेंट एनर्जीज़ पे चले जाएं। लेकिन फर्स्ट स्टेप में यही है कि सर हम प्लास्टिक शॉपर से अपनी जान छुड़ा लें। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो आखिरी 3 बातें थी ये DC साहब के फ़ायदे के नहीं हैं, हमारे फ़ायदे की ज़्यादा हैं। उन पर अगर हम अमल करेंगे तो अपना फ़ायदा ज़्यादा हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।